हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मान्य साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन शैक्षिक सत्र 2024-25। कैसे पता करें कि सरप्लस समायोजन की लिस्ट में आपका नाम है अथवा नहीं। दूसरा, समायोजन के लिए विकल्प आवेदन कैसे करें। तो आज हम इसी पर और अन्य बिंदुओं पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान बढ़ता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। इसके करने के लिए आप अपने मोबाइल के किसी भी क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे, वहां पर टाइप करेंगे इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र .upsdc.gov.in। इसको टाइप करने के पश्चात आप इसको सर्च कर देंगे, और सर्च करने के पश्चात इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसे आप थोड़ा जूम करेंगे, और जूम करने के पश्चात आप ऊपर देखेंगे टीचर्स लॉगिन समायोजन ट्रांसफ़र। इसको आप यहां से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के पश्चात आप यहां देखेंगे अंतः जनपदीय समायोजन हेतु ऑनलाइन प्रणाली। इसके लिए आप फर्स्ट कॉलम में अपना मानव समुदाय ID भरेंगे। इसके पश्चात यहां आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरेंगे सेकंड ऑप्शन में, और थर्ड ऑप्शन में यहां पर आप कैप्चा भरेंगे। कैप्चा भरने के पश्चात आप जनरेट OTP को क्लिक करेंगे। तो मैं इनको करता हूं, जनरेट OTP को क्लिक करेंगे, लेकिन जनरेट OTP नहीं आएगा। और इस प्रकार का यदि आपके सामने लिखा आता है इनवैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ मोबाइल नंबर एंड मानव समुदाय ID, तो इसका अभिप्राय यह है कि आपका सरप्लस की लिस्ट में सूची में नाम नहीं है। तो जिन लोगों का सरप्लस की सूची में है, इसका अभिप्राय यह है कि वो लॉगिन OTP आएगा, उसके पश्चात आप लॉगिन करेंगे। तो हम दूसरी परिस्थिति की तरफ चलते हैं। लेकिन लॉगिन या आवेदन करने से पूर्व हम एक आदेश को देख लेते हैं जो कि बुलंदशहर का है। इसमें लिखा है, शॉर्ट में बता देते हैं कि दिनांक 7/11/2024 अपराह्न से दिनांक 11/11/2024 तक सरप्लस शिक्षकों से स्वेच्छा से अधिकतम 25 डेफिसिट विद्यालयों का विकल्प ऑनलाइन प्राप्त किया जाना है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में जनपद के समस्त सरप्लस शिक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि आपको पोर्टल ये दिया हुआ है, आपको इस पोर्टल पर इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसके माध्यम से आप उस पेज पर आ जाएंगे, लॉगिन कर सकते हैं। के माध्यम से दिनांक 7/11/2024 अपराह्न 11/11/2024 तक स्वेच्छा से अधिकतम 25 डेफिसिट विद्यालयों का विकल्प देने होंगे। शिक्षक अपने मानव समुदाय ID तथा मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन करते हुए विकल्प भरेंगे, और समायोजन के शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार उक्त विकल्पों में से उन्हें विकल्प आवंटित किया जाएगा। ऐसे सरप्लस शिक्षकों जो कि विकल्प नहीं देते हैं अथवा जिन्हें उनके विकल्प के विद्यालय नहीं प्राप्त होते हैं, को शासनादेश में दिए गए व्यवस्था के अनुसार रैंडम विद्यालय अलॉटमेंट किया जाएगा। संबंधित उपरोक्त अनुसार समायोजन भी आप अपना मानव समुदाय ID भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, और यहाँ कैप्चा भरेंगे। कैप्चा भरने के पश्चात जनरेट OTP को क्लिक करेंगे, एक OTP आएगा, उसको आप फिलअप कर देंगे, और उसके पश्चात एक आवेदन आ जाएगा। तो आवेदन की तरफ चलते हैं। लॉगिन करने के पश्चात इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ आप देखेंगे अध्यापकों के शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन आवेदन पत्र। इसके लेफ्ट साइड में आप कॉर्नर में देखेंगे तो इसमें ऊपर होम लिखा आएगा, डिफ़ॉल्ट सूची स्कूल लिस्ट चेक कर सकते हैं यहाँ, और यहाँ प्रिंट ऑब्जेक्शन देख सकते हैं, और अपना प्रिंट एप्लीकेशन निकाल सकते हैं, उसको देख सकते हैं।
अब आ जाते हैं यहाँ पर कार्यरत जनपद का नाम लिखाएगा, यहाँ पर कार्यरत क्षेत्र का प्रकार लिखाएगा, आप गांव से हैं में कार्यरत हैं या शहर में, कार्यरत विद्यालय का नाम लिखाएगा और आपका नाम नीचे लिखाएगा। उसके पश्चात नीचे यदि आप दिव्यांग हैं तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात कितने प्रतिशत आप विकलांग हैं उस प्रतिशत को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर असिस्टेंट टीचर हैं तो उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात फ़ोटो पहचान पत्र का प्रकार लिखेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे और फ़ोटो युक्त पहचान पत्र की संख्या जो आपका विकलांग का होगा उसकी संख्या यहाँ पर आप अंकित करेंगे। इसके पश्चात प्रथम नियुक्ति पत्र अपलोड करेंगे, यहाँ चॉइस आएगा, इस चॉइस को आप क्लिक करेंगे, यहाँ आप उसको गैलरी में जाकर के अपलोड कर सकते हैं। यहाँ तिथि आएगी और इसके पश्चात यहाँ पर विकल्प आएंगे तो जिस विकल्प को आप भरना चाहते हैं उस ब्लॉक के ब्लॉक और विद्यालय का नाम यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और आपको 25 विद्यालय आपको सेलेक्ट करने हैं। और यदि आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तो जो शासनादेश होगा समायोजन का बहुप्रतीक्षित आदेश होगा उसके अकॉर्डिंग आपको विद्यालय अलॉटमेंट किया जाएगा। हम आपको जो ये आदेश है उस आदेश की प्रतिलिपि भी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और अन्य जिनको भी हम अच्छा समझेंगे उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।